फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा केक, जो खाने में बहुत ही यमी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए इस यमी केक को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में आधा कप फ्रेश दही और आधा कप दूध डालेंगे। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या बटर डाल दें, थोड़ा सा वनीला एसेंस और थोड़ा सा मैं इसमें रसमलाई एसेंस भी डाल देती हूँ। छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सब अच्छे से मिक्स हो जाए, हमें इसमें केसर वाला मिल्क मिलाना है। 1 से 1.5 चम्मच मैं केसर वाला दूध मिला देती हूँ और इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मावा, तो 1/4 कप ये मावा है घर का, थोड़ा सा रोस्ट वाला मावा है और इसे हम डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आधा कप चीनी डाला था, जिसकी वीडियो स्किप हो चुकी है। अब मैं इसमें 3/4 कप मैदा भी डाल देती हूँ, मैदा छना हुआ था, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा बैटर हमें बना करके तैयार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा ही हमें बैटर चाहिए। अब इसको लाइनर वाले मोल्ड में डाल देंगे। 5 इंच का मोल्ड में मैंने सभी बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया और स्पैचुला से अच्छे से सेट कर दिए। इसके ऊपर मैं आलमंड फ्लेक्स डाल देती हूँ और थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे कटा हुआ, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रोज बैटर और पिस्ता की कतरन और भी डाल दिया, जिससे केक और यमी लगता है देखने में। और इसे अच्छे से हमें टैप कर लेना है। 170 डिग्री पे हमें इसे 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो 30 मिनट हो चुके हैं, मैं केक को निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये केक बेक हो चुका है। अब इसे वायर रैक पे रख देते हैं और इसे अब हम मैं चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट केक बेक हो चुका है। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाए, इस मोल्ड को मैं ओपन कर लेती हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं केक अभी गर्म है, तो इसलिए जब अच्छे से केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप काटें। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये केक। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको कट कर लेती हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, नज़दीक से आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये केक देखने में भी सुंदर लगा है और बहुत ही यमी भी लग रहा है। आप इसको घर पे एक बार ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।